दोस्तों, आज व्लादिमीर पुतिन को वो झटका लग चुका है जो व्लादिमीर पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। और जिस चीज के लिए रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था वो चीज अब हो भी चुकी है। दरअसल अब से 1.5 साल पहले अचानक से यूक्रेन की तरफ से ये बोला जाने लगा था कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन को कई बार ये बोला गया कि आप नेटो में शामिल ना होइए, लेकिन उस समय यूक्रेन अपनी जीत पर अड़ा रहा, जिस वजह से फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था और ये युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रशिया नेटो से इतना ज्यादा इनसिक्योर फील क्यों करता है। इस बात के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता तो अमेरिका और यूरोप के सबसे ज्यादा एडवांस हथियार रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात हो जाते। और दूसरा रीजन यह है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता, उसके बाद रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर दिया जाता, तो उस कंडीशन में नेटो के 30 के 30 देश रशिया के ऊपर हमला बोल देते, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर नेटो के किसी भी एक देश के ऊपर हमला कर दिया जाता है तो वो हमला पूरे ही नेटो पर माना जाता है। फिर सभी के सभी नेटो के देश उस हमले का जवाब देने आते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आज ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल अब फिनलैंड नेटो का 31वां मेंबर बनने जा रहा है और अब नेटो के चीफ की तरफ से बताया गया है कि जो फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोक रहा था, यानी तुर्की, आज उसी तुर्की की पार्लियामेंट ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने की परमिशन दे दी है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का सभी पेपर वर्क पूरा हो चुका है और अब की बार जब भी नेटो की मीटिंग होगी उसी समय ही फिनलैंड को नेटो का 31वां मेंबर घोषित कर दिया जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद नेटो के जितने भी हथियार होंगे वो बिल्कुल रशिया के कुछ ही किलोमीटर दूर आकर तैनात हो जाएंगे। और ये रशिया के लिए यूक्रेन से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि फिनलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग की जो दूरी है वो महज कुछ ही किलोमीटर है। और ये रशिया के लिए आज तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि जिस चीज के लिए रशिया ने यूक्रेन से युद्ध शुरू किया था वो अभी भी झुकी की झुकी तू बनी रही है। और अगर अब रशिया पूरे यूक्रेन पर भी कब्जा कर लेता है तो उस कंडीशन में भी रशिया को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और आपके लिए आज का सवाल, फिनलैंड के बाद नेटो का 32वां मेंबर कौन बनने वाला है, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।